लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम की सियासी गर्मी चरम पर पहुंच गई है। खासकर यूपी में तो सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है और यहां की एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर दिल्ली तक की नजर है। हम बात कर रहे हैं यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट की, जहां पर पिछले दो दशकों से बीजेपी सांसद बृजभूषण सरन सिंह का दबदबा रहा है। हालांकि इस बार पार्टी ने बृजभूषण का टिकट काट दिया है, लेकिन टिकट बेटे को देकर एक बार फिर कैसरगंज की सियासत बृजभूषण सिंह को ही सौंप दी गई। बता दें कि कैसरगंज में इस बार बीजेपी की ओर से बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला है, जिनका मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा से। वहीं बसपा ने भी नरेंद्र पांडे को चुनावी मैदान में उतार कर कैसरगंज का मुकाबला रोचक कर दिया है। गौरतलब है कि पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे बृजभूषण सरन सिंह को टिकट नहीं देने के लिए बीजेपी पर नैतिक दबाव था और ऊपर से कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स कांड ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल रखा है। ऐसे में पार्टी ने बृजभूषण सरन सिंह को चुनावी रेस से बाहर रखा। हालांकि बृजभूषण सरन सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देकर पार्टी ने बृजभूषण सिंह के संभावित बैकफायर को भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि एक ओर जहां कैसरगंज में बृजभूषण का दबदबा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की भी पकड़ मजबूत रही है। ऐसे में कैसरगंज में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसे समझने के लिए कैसरगंज के बीते तीन दशकों के राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा। 1996 में बीजेपी के बढ़ते कद के दौरान कैसरगंज में सपा के टिकट पर बेनी प्रसाद वर्मा ने न केवल बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोका, बल्कि पहली बार कैसरगंज में सपा को जीत भी दिलाई और 1998, 1999 और 2004 में भी लगातार जीत कर सपा के लिए विजयी चौका भी लगाया। वहीं बेनी प्रसाद वर्मा के विजयी चौका के बाद 2009 में बृजभूषण सरन सिंह सपा के टिकट पर ही पहली बार कैसरगंज से सांसद बने। हालांकि 2014 में बृजभूषण सरन सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी के टिकट पर, और 2019 में भी बृजभूषण सरन सिंह ने अपनी जीत की हैट्रिक लगाई और दो बार बीजेपी को जीत दिलाई। बता दें कि बृजभूषण सरन सिंह 6 बार के सांसद चुने गए हैं, जिनमें से आखिरी 3 बार से वो कैसरगंज के सांसद रहे हैं और अगर यौन उत्पीड़न केस में ना फंसे होते तो शायद एक बार फिर कैसरगंज के चुनावी मैदान में होते। बहरहाल पार्टी ने बृजभूषण को न सही उनके बेटे को टिकट देकर कैसरगंज में बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी एक बार फिर से बृजभूषण सरन सिंह को ही सौंपी है। ऐसे में कैसरगंज में भले ही करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं, लेकिन साख तो बृजभूषण सिंह की ही दांव पर है, जिनकी कैसरगंज में मजबूत पकड़ है। हालांकि सपा का भी मजबूत जनाधार माना जाता है, ऐसे में यहाँ का जाति समीकरण काफी अहम हो जाता है। कैसरगंज लोकसभा सीट के जाति समीकरणों की अगर हम बात करें तो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक करीब 20% ब्राह्मण और 18% दलित आबादी है। राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 10% है, तो वहीं 12% यादव, 9% निषाद और करीब 7% कुर्मी मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी करीब 18% है, यानी कैसरगंज ब्राह्मण बहुल सीट है और इसी वजह से सपा और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवारों पर दाव खेला है। हालांकि दो ब्राह्मण उम्मीदवारों के कारण ब्राह्मणों का वोट बटने की संभावना है, जो बृजभूषण सिंह के बेटे के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि मुस्लिम और यादव सपा को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे में कैसरगंज की जनता किसे चुनती है, ये तो 25 मई को मतदान के दिन ही कैद होगा और 4 जून को इसका पता चल जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि बृजभूषण सिंह के चुनावी मैदान में ना होने से किसको फायदा होगा? क्या सपा बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक लेगी या मायावती के मायाजाल से नतीजे पलटेंगे? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आप देखते रहिए एबीपी लाइव पर।